दे बल्ला को लगा दे कहना चाहूंगा सजना एंड स्वयं जो कि रेडी है प्लीज कम ऑन स्टेज माय फेलो ब्रदर स्वयं एंड संजना. थैंक यू सो मच निशान जी. थैंक यू सो मच निशान रूसी. एवरीवन हाउ आर यू स्वयं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही ठंडा क्राउड है, क्या बोलते हो आप? लेट मी चेक. क्राउड तो ठंडा नहीं है, शायद इन लोग को जिस चीज का इंतजार है वो अभी तक हमने शायद इन्हें बताया नहीं कि व्हाई वी आर हियर. एग्जैक्टली. सो हम शायद उसके लिए और आप सभी को थोड़ा एनर्जी भरने के लिए वापस आए हैं और आप सबकी एनर्जी एक बार फिर से मैं देखना चाहूंगी. सो मैं कहूंगी T20 गुजरात कप और आपको कहना है रॉक्स. ओके सो T20 गुजरात कप. T20 गुजरात कप. क्या बात है, ये होती है एनर्जी, क्या बोलते हो शोएब? Exactly. और अभी यहाँ पे बहुत सारी टीम के प्लेयर्स और बहुत सारी टीम बैठी है, टोटल मिला के 10 टीम्स है हमारे पास. तो एक मैं आप लोग के बीच में फेस ऑफ करता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे भी आप बैठे हो कोई भी टीम, मैं किसी का यहाँ से भी नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, पर आपको क्या करना है, जब मैं बोलूँ कि कौन जीतेगा T20 तो आपको जो भी टीम है उसको तालियां बजा के या तो वहीं से चिल्लाना है कि हम जीतेंगे. आर यू रेडी फॉर दैट? कॉन्फिडेंट है आपको कि आप कर पाओगे वो, ऑल द टीम प्लेयर्स? चलिए ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये T20 गुजरात का कौन सी टीम जीतने वाली है? दैट्स व्हाट द यू नो दैट इज द एनर्जी. यस एग्जैक्टली. और सौराष्ट्र का ही नाम मैं सुन पाई हूँ यहाँ पे. आई वॉज देयर लास्ट ईयर ऑल्सो SCL में और इट वॉज अ फैबुलस सीजन एंड आई एम श्योर कि इस साल की भी सीजन उससे भी ज्यादा अच्छी रहने वाली है बिकॉज वी हैव ग्रेट स्पॉन्सर्स विद अस. Valencia presents T20 Gujarat Cup 2017. Platinum sponsor Alice Elevator. Gold sponsor Aryavart Infrastructure Private Limited. And silver sponsor Agam. So इतने प्यारे प्यारे जब sponsors हमें मिले हैं शोएब, तो ये जो हमारा season है वो कितना amazing रहने वाला है. और उससे भी ज़्यादा हमारे पास बेहतरीन टीम है और उस सारी टीम में अमेजिंग और सुपर रॉकिंग क्रिकेटर्स है. एग्जैक्टली. और तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये टीम को अभी मिल रहा है गुजरात के बीच में फाइट करने का मौका. इससे पहले यूथ प्लेटफॉर्म क्लब ने जो सौराष्ट्र चैंपियन लीग की थी उसकी भी चार टीम इसमें है, तो इस बार उनका कॉन्फिडेंट कुछ ज्यादा ही होगा. एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर हैव एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे चलिए हम फर्स्ट टीम को बुलाए. उससे पहले हम एक बार बात करते हैं कि व्हाई वी आर हियर. एग्जैक्टली, हम आज टीम को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस तो करवाने वाले. हर टीम प्लेयर एक दूसरे से मिलेगा, हर टीम एक दूसरे को देखेगी और स्ट्रेटेजी बनाएगी कि ये ज़्यादा हाइटेड है तो मैं इसको बाउंसर ही डालूंगा या यॉर्कर डालूंगा, इसकी हाइट थोड़ी कम है तो बाउंसर से खत्म हो जाएगा, इसकी हाइट बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम लेग बिफोर में ले लेंगे, इसको मैं ऐसे आउट करूंगा, उसको मैं ऐसे आउट करूंगा, सबको स्ट्रेटेजी बनाने का चांस देंगे. बट ये सब हम क्यों कर सकते हैं? व्हाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग? बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट. और इंडिपेंडेंट इंडिया आजाद कैसे हुआ, कितनी कुर्बानी दी शहीदों ने, स्पेशल आज हमें उनको श्रद्धांजलि देना है. तो सारे लोगों को एटलीस्ट चार चार शहीदों को याद करना है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बोले कि भगत सिंह और राजगुरु या सुखदेव, आप जो भी शहीदों को जानते हो सकता है मैं 3 को जानता हूँ, 4 को जानता हूँ, ये 10 को जानती हो. बहुत सारे शहीद हैं जिन्होंने अपनी भारत माता के लिए जर्रा भी छिचक जाए नहीं, गोली खा ली और भारत माँ की बोलते ना गोद में ही अपनी जान दे दी. तो आप कोई भी शहीदों को याद कर सकते हो, और अगर नहीं याद कर सकते खाली शहीदों के लिए आपको दिल से दुआ करनी है कि वो हमेशा अमर रहे और हमारा भारत हमेशा आज़ाद रहे, क्योंकि हम बोलते हैं क्या, भारत माता की जय. Exactly. शहीदों के साथ साथ उनके परिवार वालों भी यहाँ पे हैं, उनके परिवार वालों के लिए भी दिल से दुआ निकलती है कि इतने अच्छे शहीद परिवार में से उनको मोटिवेशन मिलता है उन्हें आगे जाने को. बताना चाहूंगा ये बहुत हार्ड वर्क होता है, एक्चुअली बहुत टाइम होता है कि दो माँ के लिए कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसकी दो माँ होती है, पहली वो माँ जिससे उसने जन्म लिया और दूसरी भारत माँ. एक माँ को घर पे आके पता चलता है कि युद्ध में वॉर में उसका बेटा अभी नहीं रहा, वो भारत में वॉर के टाइम शहीद हो गया, तो इन्हें तो बाद में पता चलता है, पर उस भारत माँ को कैसा लगता होगा सोच के देखो. मैं तो रोंगटे खड़े, जिनके छाती पे उसका ही बेटा दम तोड़ता है खून में लहूलुहान होकर सिर्फ और सिर्फ भारत माता का नाम और भारत माता का झंडा ऊपर रखने के लिए,
ऐसा अगर कोई सोच के भी देखे तो कितना डर लगता है। वैसे कुछ हमारे बीच में परिवार है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको कैसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि एक बेटा शहीद हो गया, वो माँ ऐसा बोलती है एक शहीद हो गया कोई बात नहीं, मैं दूसरा बेटा भी भारत माँ के लिए भेज रही हूँ। Exactly. जोरदार तालियां सारे शहीद परिवार के घर के लिए एवरीवन। और एक्चुअली में जोरदार तालियां मुझे सुनाई देनी चाहिए आप सबकी, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात होती है। आज हम सब अपने अपने घर में जब शांति से बैठते हैं, सो सिर्फ और सिर्फ कि वहाँ पे कोई एक है जो हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहा है, इसलिए हम सब आराम से और शांति से हम अपने घर में सो सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात कह दी संजना तुमने। अब टाइम आ गया है कि वो जो शहीदों ने इस भारत को आजाद कराया उन्हें भी याद करेंगे, थोड़े टाइम में श्रद्धांजलि देने वाले। पर उससे पहले T20 गुजरात कप में जो टीम अपना झंडा लेकर आ रही है, हर टीम का ऐसा मानना है कि हम जीत के जाएंगे। कुछ टीम का ऐसा भी मानना है हार या जीत तो खेल है पर हम खेलने के लिए खेलते हैं। कुछ टीम का ऐसा मानना है कुछ भी हो जाए हमको खाली अहमदाबाद में एक आइडेंटिटी बना के जानी है, अहमदाबाद के सारे लोगों को बता देना है कि मैं कहीं से आया था और अहमदाबाद में अपना नाम करके जा रहा हूं। और तुम्हें बता दूं संजना एक और बात कि यहां पे जितने भी प्लेयर्स खेलेंगे, यूथ प्लेटफॉर्म क्लब हमेशा वैसे ही प्लेयर को चांस देता है जिसको कोई नहीं जानता। यहां पे ऑलमोस्ट ऐसे प्लेयर है जिसको उसका बाजू वाला भी शायद नहीं जानता है, पर आज नहीं तो कल पूरे इंडिया में इनका नाम होगा। एग्जैक्टली, यूथ प्लेटफॉर्म क्लब ने जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमेशा नया जो टैलेंट होता है उसको प्रोत्साहित किया है, नवाजा है और चांस दिया है आगे बढ़ने का। सो वैसे ही यूथ प्लेटफॉर्म क्लब को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इतना बड़ा पहली बार मैंने देखा है यहाँ पे, पहली बार हो रहा है T20 गुजरात कप इन द हिस्ट्री। सो पूरे गुजरात की जो यहाँ पे टीम आई है उन सबके लिए भी ये बहुत बड़ा चांस है, बिकॉज यहीं से ही आप लोगों को एक आइडेंटिटी मिलेगी, यहाँ से आपको आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। सो इसे गवाइएगा मत, आप सब दिलो जान से, सारे प्लेयर्स को मैं कहती हूँ दिलो जान से अपनी टीम को जिताने के लिए यहाँ पे आए हो। सो वो जोश, वो आपका जोश आखिर तक वैसा ही रहना चाहिए, मैं ऐसा ही आपके लिए दुआ करती हूँ। देख घुमा के गुजरात का।